तो आज की वीडियो में हम देखेंगे डीएलएड का सेकंड ईयर का जो फाइनल एग्जाम होता है आपका, जिसके बेस पे आप यूं कह लो कि पूरा डीएलएड का रिजल्ट आपका टिका हुआ होता है। तो इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे, ये साइकोलॉजी का पेपर है और इसका कोड 201 होता है। ज़्यादातर आप ध्यान देंगे कि जो सेकंड ईयर में सबसे पहले जो पेपर आपका लिया जाता है वो साइकोलॉजी का ही होता है, और यदि हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो वहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट का पेपर जो है वो सबसे पहले लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर आप सामने देख रहे हो ना, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है। क्यों? क्योंकि अभी एकदम रिसेंट में जो SCERT द्वारा पेपर लिया गया है सेकेंड ईयर का 2022 में, आप ध्यान से देखिए, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका अभी तक एग्ज़ाम फाइनल टर्म का नहीं हुआ है। कई ऐसे कॉलेजेस हैं हरियाणा के या आसपास के जहाँ पर अभी तक DLED जो फाइनल एग्ज़ाम्स है वो नहीं करवाए गए हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पेपर। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं और क्वेश्चन का जो नेचर है, वो सारी चीज़ें ही ज़रूरी हो जाएंगी आपके लिए। तो ध्यान से जो है इस वीडियो को आप देखेंगे, और जो भी फर्स्ट ईयर वाले हैं, जो अभी फर्स्ट ईयर में हैं, तो कल को सेकेंड ईयर में तो आएंगे, या अब एग्ज़ाम के बाद सेकेंड ईयर में आ ही रहे हैं, तो जब वो फाइनल पेपर की तैयारी करें या फिर अभी जब वो सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसी दौरान इस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस हैं या टॉपिक्स हैं ना, उसके बेस पे आपको ये पता चल जाएगा कि सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई आप कर रहे हो वहाँ पे कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, या उन टॉपिक्स को किस तरीके से जो है प्रिपेयर आपको करना है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ना, और क्योंकि आपका कोर पेपर होता है, प्रैक्टिकल पेपर नहीं होता, तो ये 75 मार्क्स का जो है आपका पूरा पेपर आएगा। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 5 क्वेश्चन 5-5 नंबर के, और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आएंगे। तो इस तरीके से टोटल 75 यानी 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका तैयार किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी, कोशिश करूँगी, और किस तरीके से आंसर लिखना है ये भी आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले है क्वेश्चन कि अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत के विषय में उसके अर्थ, प्रयोग, नियम और शैक्षिक अनुप्रयोगों पर संक्षिप्त में चर्चा करो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जब गेस्टाल्ट का सिद्धांत आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इन्होंने खुद ही दे रहा है 2+2+3+3 का जो क्वेश्चन है आपका, वो इस तरीके से जो है आप इसको जो नंबर डिवाइडेड है वो यहाँ पर आप दे सकते हो। एक्चुअली मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, एक्चुअली जो पहले 5 क्वेश्चन आएंगे वो आपके 10 नंबर के होंगे, और उसके बाद ये जो 5 क्वेश्चन होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। तो इस तरीके से टोटल 75 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है वो तैयार किया जाएगा। तो ये पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, और यदि आपको गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अथवा में आपको एक और मिल जाएगा। और मैं कहती हूँ 100% अभी लिखवा के ले लो कि ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ, जो एक ट्रायल और एरर थ्योरी है, प्रयत्न और मूल सिद्धांत, ये जो आपका एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत आ जाता है साइकोलॉजी के अंदर। तो इसका अर्थ, इसका प्रयोग, नियम और शैक्षिक अनुप्रयोग यानी कि एजुकेशन में किस तरीके से ये रोल प्ले करता है, ये यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसी के साथ अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 कि अधिगम के स्थानांतरण को परिभाषित करो। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की एक जो चीज़ आपने सीखी है उसको कहीं और यूज़ करना है, तो इसको परिभाषित करो। और जब परिभाषित करने को कह ही दिया है, तो आपको परिभाषा तो एक लिखनी ही पड़ेगी, किसी भी आप मनोवैज्ञानिक ले लो। तो जब आप पेपर तैयारी कर रहे हो पेपर की, या अभी आपका पेपर नहीं हुआ है, तो आप जो है ना कुछ परिभाषाएँ याद करके ज़रूर पेपर के लिए रख लो। इसके विभिन्न प्रकारों के बीच में आपको विभेद करना है। इसके प्रकार यही होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य। अगर आप पॉजिटिवली किसी चीज़ को कहीं और यूज़ कर पा रहे हो अपने ज्ञान को, तो वो सकारात्मक है। अगर वो बाधा बन रही है तो नकारात्मक है, और कोई यूज़ नहीं हो रहा उसका, तो फिर शून्य है, ठीक है। और अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण हो रहा है, इस बात को सुनिश्चित करने के 5 तरीके जो हैं आप बताइए। तो 10 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ पर आपका प्रिपेयर हो जाएगा।
यहीं आपको फिर से अथवा में एक और ऑप्शन मिल गया है, तो अथवा करके काफ़ी हेल्प मिल जाती है आपको कि कौन सा क्वेश्चन जो है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि जो जिसका मटेरियल आपके पास ज़्यादा हो, आपको लगता हो कि मैं इसमें डेफिनेशन भी ले सकती हूँ और अदर चीज़ें भी ले सकती हूँ, एग्जाम्पल भी मुझे आता है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट कीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये अभिवृत्ति और रुचि को परिभाषित करो। यहाँ भी आपको परिभाषा देनी पड़ेगी। जब परिभाषित वर्ड आ ही गया है तो सिर्फ अर्थ लेने से काम नहीं चलेगा। और उदाहरण सहित बताइए कि किस प्रकार शिक्षक की स्वयं की अभिवृत्ति और रुचियाँ उसके विद्यार्थियों की अभिवृत्ति और रुचियों के अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा आंसर जो है खुद से भी डेवलप करना होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, तो भाषा अर्जन और भाषा सीखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना ही आना है। चाहे आप हरियाणा का डीएलएड दे लो, चाहे बिहार का दे लो, जहाँ मर्जी का दो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाषा अर्जन और भाषा सीखने के बीच में अंतर क्या है। भाषा दो प्रकार से जो है वो सीखी जाती है, तो अर्जित कर ली जाती है और दूसरा सीखना। तो आपको पता ही होगा कि अर्जन क्या होता है, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसकी जो मातृभाषा है, जो घर में सिखाई जा रही है, बोली जा रही है, वो सीख लेता है। लेकिन जब वो दूसरी भाषा सीखने के लिए जाता है तो फिर उसको किसी इंस्टीट्यूट की, स्कूल की, संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक विद्यार्थी के जीवन में भाषा के किन्हीं 5 प्रकार यानी यूजेस आपको यहाँ पर वर्णन करना है। तो ये भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन जो है साइकोलॉजी में ज़रूर आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि विद्यालय में निर्देशन देना क्यों आवश्यक है, गाइडेंस क्यों ज़रूरी है स्कूल में देना, कोई 4 कारण बताओ, 4 नंबर। और विद्यालय में निर्देशन सेवाओं को आप किस प्रकार आयोजित करोगी ये भी बताना है, 6 नंबर में। तो 6 पॉइंट्स आपको इसे भी बनाने होंगे और इस तरीके से 10 नंबर का क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रिपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट, इसमें आपको अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि परामर्श को परिभाषित करो। अब यहाँ पर काउंसलिंग आ जाती है, तो भाई काउंसलिंग और गाइडेंस इन दोनों को पढ़े जाओ, अथवा करके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। परामर्श के निर्देशात्मक उपागम के विभिन्न चरणों की व्याख्या करो और इस उपागम की किन्हीं 4 सीमाओं पर भी चर्चा करो। तो ध्यान से काउंसलिंग वगैरह पढ़ के जाइएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, 10 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बालकों से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में यानी 1 पेज पे तो आपको ये लिखना होगा। फिर कक्षा में इन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, 4 नंबर में, तो 2 पेजेस भरिए कम से कम। एक शिक्षक के रूप में आप इनके सुनिश्चित विकास के लिए उपयुक्त निर्देशन और शिक्षा में किस प्रकार से चेंजेस करोगे, तो 2 पेज यहाँ। तो टोटल ये जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 5 पेजेस पर अच्छे से आ जाएगा, अगर आप अच्छा मसाला मिर्च लगाकर लिखते हो तो। मैं ये कहती हूँ कि डीएलएड में ना फालतू ही चीज़ें लिखने के नंबर नहीं मिलते। आपको लगता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 पेज भर दें और नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 पेज भी भरते हो और जो चीज़ें पूछी रही हैं, रिलेवेंट चीज़ें लिखते हो, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब देखिए भाग 2 शुरू हो गया है, जहाँ पर 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ लर्निंग, सीखना क्या है, और व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, और ये क्यों जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको 3 उदाहरण भी बताने हैं। और अगर ये क्वेश्चन नहीं करना तो उदाहरण आपको जो है अथवा में भी एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि अनुकूलित प्रतिक्रिया से आप क्या समझते हैं, प्राचीन और नैमित्तिक अनुकूलन के मध्य प्रत्येक के लिए एक उदाहरण। तो आप ये देख रहे होंगे ना कि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं, तो जब आप प्रिपरेशन करेंगे ना, या फिर आप जब डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हो उसके दौरान ना एग्जाम्पल्स को भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दो। तो एक तो डेफिनेशन होगी और दूसरा एग्जाम्पल, ये 2 चीज़ें ना आपके पास होनी चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपको एग्जाम्पल और डेफिनेशन जो है वो लिखनी आती हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि अभिप्रेरणा बच्चों के अधिगम को किस प्रकार जो है प्रभावित करती है, मोटिवेशन। तो आप अपनी कक्षा के उन बच्चों को जो पढ़ाई में रुचि नहीं लेते उनको अभिप्रेरित कैसे करोगे, इसके 3 उपाय भी आपको बताने हैं। तो 2+3 ई मार्टिन स्टीम इन्होंने ऑलरेडी दे ही रखी है। अब यहीं क्वेश्चन नंबर 7 में ही आपको ऑप्शन भी दिया गया है कि अधिगम में स्मृति के महत्व अब विस्तार से वर्णन कीजिए। तो स्मृति यानी मेमोरी वाला भी क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डीएलएड के लिए। आप अपने विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान जल्दी से याद करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो आप बता सकते हो। तो यहाँ पर 3 नंबर के लिए आपको कम से कम 3 तरीके तो सुझाव जो है देने होंगे कि किस तरीके से बच्चे जो है एग्जाम्स के टाइम पे अच्छे से चीज़ों को याद रख सके।
फिर है क्वेश्चन नंबर 8 की भाषा और विचारों में संबंध पर संक्षिप्त चर्चा करो। भाषा और विचार के बीच ना काफ़ी डिबेट रहता है कि भाषा पहले आई या विचार, तो इसमें ना आपको पियाजे और वाइगोस्की का छोटा सा डिबेट है वो लिखना होगा। और घर पर मिलने वाला प्रारंभिक प्रशिक्षण किस प्रकार से बच्चों के भाषा सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है ये भी आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि आपकी कक्षा का विद्यार्थी यदि दूसरे बच्चों को डराता धमकाता है तो ऐसा बेटा, मतलब ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ये ना सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ना साइकोलॉजी के पेपर में आते हैं, तो ध्यान से देखिए इसको। और इस प्रकार व्यवहार के क्या कारण हो सकते हैं पहले तो आपको रीजंस लिखने होंगे, उसके बाद इस समस्या को नियंत्रण कैसे करोगे आप, क्योंकि आप टीचर हो आपको ही ठीक करना है, तो उसके उपाय भी यहाँ पर लिखने हैं। तो सिचुएशन और समस्या पर आधारित क्वेश्चन जो है डीएलएड में काफ़ी पूछे जाते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में समावेशन से आप क्या समझते हैं। दो नंबर का यानी एक पेज तो भरिए, उसके बाद एक दृष्टिबाधित बच्चे के समावेशन के लिए आप कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कक्षा संगठन में कर सकते हो, तो इसके कम से कम 6 पॉइंट्स या 5 पॉइंट जो है आप लिख कर आइए। तो ये आपका जो साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर था आपने देखा, इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ऐसे टॉपिक हैं जो आपके डीएलएड फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होता है सेकेंड ईयर का उसके लिए मतलब रामबाण क्वेश्चन हैं। इनको अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो ना तो फिर मतलब ये समझ लो कि 50% तैयारी आपकी हो गई, और बाकी आप अदर चीज़ें भी पढ़ें अदर टॉपिक्स भी पढ़ेंगे लेकिन मोटिवेशन और मेमोरी और वही ट्रायल और एरर थ्योरी इन चीज़ों को तो आप ज़रूर पढ़ें, मतलब बिल्कुल आना है। भाषा अर्जन वाला भी क्वेश्चन आना ही आना है। तो ये कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनको कोई रोक नहीं सकता आने से, हो सकता है थोड़ा सा नेचर चेंज कर दिया जाए बट क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इसको और अपने फाइनल टर्म के एग्ज़ाम्स को काफ़ी अच्छे से दीजिए। आई एम श्योर कि आप 80% से अबव ही जो है स्कोर करेंगे अगर आप थोड़ी सी मेहनत जो है एंड टाइम पर भी कर लेते हैं तो।